भाभी का पता ऑपरेशन का भी नहीं पता करने गए ना गुड़िया को देखने के लिए गए तो इसलिए दिल भी करता लेकिन समीर बेटे को अभी छुट्टियाँ नहीं मिल रही। 10 तारीख के बाद पेपरों के बाद ही छुट्टियाँ मिलेंगी तो आप सोचते हैं कि क्या करना है। और साथ साथ शाम का टाइम हो रहा है जो भी सीन बनता है आज तो मुँह का जगह इतना ज़्यादा खराब है दिल करता कोई चटपटी सी चीज़ हो जिससे इंसान बना के खाए तो फिर लेकिन मैदा आगे ठीक नहीं है बुखार भी है तो फिर क्या बना के खाना है या क्या नहीं खाना तो चलते हैं जी किचन में जो भी बनाती हूँ अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। मैमा क्या कर रही हो क्या डाला हुआ है जी मैमा ने एक गुत्थी बनाई हुई है इसमें डाला हुए बंटे डाले हुए हैं तब क्या खेलने की मौज लगेगी ना खेलना नहीं है सुबह को ना मैं दूसरे मदनी पारे लेके आऊंगी चलते हैं जी किचन में जाके जो भी अगला सीना रामा निरम जी कुकर भी धो के मैंने चूल्हे पे रख लिया है और आज मैं बनाने लगी हूँ 2 शिमला मिर्च और साथ में टमाटर मिर्च और लहसुन प्याज और साथ में ये दाल तकरीबन 2-3 घंटे से मैंने भगो के रखी हुई है तो इसे अब पकाती हूँ इन तीनों चारों चीज़ों को पकाना स्टार्ट करती हूँ। मेरा रामा ने रहेंगी घी डाल के गर्म कर लिया और बीच में ऐड करती हूँ लहसुन प्याज और साथ में सब्जी मिर्च और टमाटर और साथ में शिमला मिर्च अभी इनकी अच्छी तरह भुनाई करती हूँ जो काफ़ी मज़े की और कड़ाकी सी बनेगी दाल इस तरह ज़्यादा भी मुँह का ठीक हो जाएगा बुखार की वजह से पता नहीं मैदा और ज़्यादा हो जाएगा बस अभी पता नहीं किस तरह की बनेगी आगे पहले मैंने कभी नहीं बनाई इस दफ़े बना रही हूँ आज सोच रही थी कि कुछ शिमला मिर्च डालू कुछ करारा सा बनाऊँ तो अभी ये दाल ही नज़र आई है घर में है अभी एक दाल ही कभी बनाती हूँ मैं बहुत अच्छी तरह इनकी बुनाई करती हूँ रहमान ने रहे मसाले ऐड कर दिए बनाई अच्छी तरह करके सारी चीज़ों की मसालों की बनाई भी अच्छी तरह करती हूँ साथ में डाला थोड़ा सा पानी की इनकी अच्छी तरह बनाई कर लूँ मसालों की और मसाले जले लूँ तो अभी इनकी बनाई करती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मसालों की अच्छी तरह बनाई हो चुकी है तो अभी इसमें ऐड करती हूँ दाल दाल मैंने अपने पास भुखो के काफ़ी देर की रखी है माशाल्लाह मोतियों की तरह चमक रही है बिल्कुल साफ सुथरी है अभी इसमें ऐड करती हूँ मेरा मन मेरा हम दाल मैंने ऐड कर दी अभी उसको मिक्स करती हूँ अच्छी तरह दाल की बनाई करती हूँ इसमें मेरा मन मेरा हम की दाल की बनाई अच्छी तरह हो चुकी अभी इसमें पानी ऐड करती हूँ
दाल को अच्छी तरह तकरीबन 20 से 25 मिनट तक दाल को ऊपर रखना पड़ेगा, तब जाके ये दाल नरम होगी। ऊपर से कवर करती हूँ और पकने के लिए छोड़ देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ढक्कन बंद करके सीटी मैंने लगा दी है, तो अभी छत पे चलती हूँ। छत से लेके आती हूँ फ्रेश फ्रेश बिल्कुल ग्रीन ग्रीन धनिया, तो बाकी मसाले तो नीचे ही हैं। छत पे चलती हूँ अभी जी, चलती हूँ छत पे, जाके उधर से धनिया लेके आती हूँ। सूरज बिल्कुल नीचे जा चुका है, तकरीबन 5-5:30 हो गए हैं। अभी जो मलाई वाली बाल्टी भी इधर नीचे लेके चलती हूँ। ये लालियाँ दो इधर ही बैठी रहती हैं और ये बैठती हैं प्लेट के नीचे इधर। तो ये बारिश आई थी, कड़ियाँ थोड़ी बहुत, अगर बारिश सही आती तो बिल्कुल प्लेट धुल जाती। अभी भी ये लालियाँ इधर ही बैठी हैं। भी आ गई हूँ जी धनिया लेने के लिए, तो इधर से ये धनिया काटती हूँ। धनिया मैंने काट लिया, अभी नीचे चलती हूँ। और ये मलाई वाली बाल्टी भी जिसको जाग लगाया वो ये भी उठा लेती हूँ। अभी चलते हैं जी नीचे। चलो जी अब चलते हैं नीचे, जाके देखते हैं सिटी चली है या नहीं। आज काफ़ी दिनों के कपड़े काट के रखे हुए हैं, लेकिन बैठी हूँ मशीन पर, फिर भी बैठा गया सर को। हमें इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी तो कपड़े मेरे उधर ही पड़े हैं अभी भी। चलो जी कमरे में पहुँची हूँ तो सिटी भी चलनी शुरू हो गई माशाल्लाह जी। तो लाइट बंद है इसलिए तो अभी टाइम चेक करती हूँ। धनिया और बाल्टी इधर रखती हूँ, उतनी देर जी बना देती हूँ। हाँ जी जी, आप किधर गए हुए थे? बड़े भाई को की करन गए थे? है कि पैसे की करने? पैसे पैसे वैसे मैं क्या कहना, पैसे दे और कुकर चलता बाहर चलो, ऐसा नहीं पता चलता उधर चलो। ये दाल मैंने ऊपर रख ली है, धनिया भी लेके आ गई हूँ। उतनी देर अभी मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट हैं, उतनी देर मैं ये पांचों की तरपाई करनी है, ये करती हूँ बैठ के। बाकी काम बाद में, ये भी मेरा काम निपट जाएगा साथ साथ, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े पड़े हैं, लेकिन दिल ही नहीं करता सिलाई करने, ना बैठा जाता ना तबीयत ठीक होती है इस वजह से। तो अभी ये कंबल भी मैंने मशीन के नीचे इधर डाला हुआ है बैठ के, ना इधर बैठ के कोई अच्छी तरह, क्योंकि मोरों की दर्द बहुत ज़्यादा हो जाती है जब मशीन पर बैठती हूँ, तो इसलिए। तो अभी ये पांचों को तरपाई करती हूँ। मन रहें जी कुक चूल्हे को बंद करते हैं और थोड़ी देर के बाद फिर भी करके दाल चेक करते हैं नरम हुई है कि नहीं। ये सिलेंडर का गैस का भी अंदर हो गया है, ये पूरा सारे बर्तन काले कर रहा है। अगले शायद करे 2-4 दिन गुजर ही जाएँ, अभी तो आज 22 तारीख हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, दाल हमारी तैयार हो चुकी है, तो अभी बनाती हूँ रोटियाँ, फिर बैठ के खाएंगे। बस इतनी नरम नरम सी ठीक है, बच्चे भी खुश होकर खा लेंगे। अभी बनाती हूँ रोटियाँ तो फिर बैठ के खाते हैं हम लोग। माशाल्लाह शिमला मिर्चें डालने की वजह से काफ़ी टेस्टी, काफ़ी मज़े की दाल बनी है। काफ़ी प्यारी मसाले वगैरह डाल दिए हैं मैंने, तो अब काफ़ी मज़ेदार है दाल। तो बैठ के खाती है, रोटियाँ बना रही हूँ, फिर बैठ के खाएँगे। रहमानिर्रहीम जी, रोटियाँ मैंने बना ली हैं, तो अभी बच्चों के लिए मसाले वगैरह डालती हूँ, बाहर से बच्चों को बुलाती हूँ तो खा लेंगे। तो वीडियो के एंड में इधर ही करती हूँ। जय हमारी आज की वीडियो जिन बहन भाइयों को पसंद है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रहमानिर्रहीम जी, खाना शाना का खा लिया, बर्तन शर्तन धो लिए और अभी ये मलाई को जाग लगा रखा हुआ था, तो ये मैंने कहा रिड़कल में बैठी बैठी फिर जाके कपड़े की मेरी शलवार की तरपाई भी करनी है पाँचों की, तो पहले जल्दी जल्दी ये घी बना लेती हूँ।
तो फिर सुबह टेंशन नहीं बनती, सुबह सुबह फिर बच्चों को पराठे बना कर इंसान मक्खन वाले दे देता है, तो इसलिए अभी जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ ये काम करने के लिए। तो बच्चों को, छोटे बच्चों को तो पेपर ख़त्म हो चुके हैं एम एम आर कबीर के, समीर बेटे के रहते हैं अभी, उसे भी याद करवाना है सबक, उसे आता है लेकिन उससे सुनना पड़ता है, फिर अगर ना सुनो तो फिर उसकी तवज्जो खेलने की तरफ हो जाती है, तो इसलिए वो भी काम मैंने करना होता है। तो इसलिए अभी जल्दी जल्दी ये काम फिनिश करके तो पहले समीर से सबक सुनती हूँ, फिर उसके बाद कपड़ों की सिलाई करूँगी। तो इसी के साथ मक्खन जल्दी जल्दी तैयार कर लेती हूँ।